बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कई लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर वामपंथी दलों ने एक जोरदार प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर किया। साथ ही एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम से जिलाधिकारी मुरादाबाद को सौंपा, जिसमें वामपंथी दलों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ाना सरासर गलत है, क्योंकि जनता वैसे ही महंगाई से त्रस्त है। ऐसे में बिजली की दरों का महंगा होना अत्याचार से कम नहीं है। प्रदर्शनकारियों में ब्रह्म स्वरूप, राम स्वरूप, किशन लाल, लल्लू लाल, वहीं प्रदर्शन करने वालों में ब्रह्म स्वरूप, राम स्वरूप, किशन लाल, लल्लू लाल, रोहतास सिंह, विजयपाल सिंह, राजकिशोर रस्तोगी, विनोद विग, महिपाल सिंह, राजा राम ध्यानी, हरकिशोर राघव आदि भारी संख्या में मौजूद रहे। विजयपाल जी, किन मांगों को लेकर आप लोग आज प्रदर्शन? हमारा जो आज का प्रदर्शन है, वामपंथी पार्टियों का संयुक्त आह्वान है प्रदेश स्तर पर। जो अभी प्रदेश सरकार ने बिजली के बिलों में बहुत वृद्धि की है उसके खिलाफ है, और ये वृद्धि जिस बहाने से की गई है, उनका कहना है कि बकाया बहुत कम है, बकाया बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, जबकि इसकी हकीकत यह है कि आधे से ज़्यादा बकाया सरकार खुद सरकार पे है, 3,000 करोड़ से ज़्यादा बकाया सरकारी विभागों पे है। इसी तरीके से बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनमें किसी का बिल ही नहीं आता, तमाम पुलिस के थाने ऐसे हैं जिनमें बिल नहीं आता, और ये सारा वजन जनता के कंधों पर डाल दिया, बजाय उस वसूली करने के जो लोग माने बिल नहीं दे रहे, खुद सरकार उसमें सबसे बड़े डिफॉल्टर है। आधे से ज़्यादा मैंने 38,000 करोड़ करीब ये बकाया बता रहे, 36,000 करोड़, उसमें से 23-24,000 करोड़ रुपया खुद सरकार या सरकार के अधीनस्थ विभागों में ड्यू है। इसके साथ ही साथ तमाम बिजली के बड़े अफसर, तमाम प्रशासनिक अफसर, तमाम दूसरे लोग वो बिजली का बिल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये अपनी नाकामयाबी का सारा ठीक रहा जनता के सिर में छोड़ना, ये बिल्कुल ना। तो जो सरकार की नाकामयाबी है उसका तमाम मानी जिम्मेदारी जनता के सिर पर डालना है, नाइंसाफी है, नाजायज है। और इतना ही नहीं, छोटे से छोटे उपभोक्ता पे तो बिजली का बिल बढ़ा दिया, ग्रामीण क्षेत्र में तो उसकी दर 100% से भी ज़्यादा बढ़ा दी। दूसरी तरफ बड़े बड़े जो लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, तो एक ऐसा पक्षपात है। इसलिए जो होना ये चाहिए, जो हमारा न्याय का सिद्धांत कहता है, जो गरीबों को राहत दी जानी चाहिए और अमीर लोगों को टैक्स देना माने ज़्यादा महंगी बिजली होनी चाहिए, तो इस नीति के खिलाफ, ये जो सरकार की नीति है कि गरीब लोगों पर और ज़्यादा भार डालना, अमीर लोगों को रियायत देना, एक तरीके से सरकार खुद सबसे बड़ी डिफॉल्टर, उसकी वसूली के लिए कुछ ना करना, बिजली विभाग में जो व्याप नीचे से ऊपर तक घोर भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई कदम ना उठाना। इतना ही नहीं, सरकार एक तरफ कह रही है कि सब बिजली का कनेक्शन, और जब कोई बिजली का कनेक्शन लेने जाता है तो उससे बड़े पैमाने पर नाजायज वसूली की जा रही है, चेकिंग के नाम पे बड़े पैमाने पे नाजायज वसूली की जा रही है। इसमें बिजली विभाग के तमाम छोटे से बड़े तक कर्मचारी अफसर सब शामिल हैं। बार बार कहने के बाद भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं की जाती, इसी क्रम में आज का एक प्रदर्शन किया गया। तो क्या आप कोई ज्ञापन देंगे यहाँ पर? क्या ज्ञापन देंगे? राज्यपाल महोदय के नाम, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, उसमें सारी मांगे हमारी। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या? हम इस आंदोलन को और व्यापक करेंगे, गांव से शहर तक सब जगह लोगों को संगठित करेंगे, और बड़े तादाद पे हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जन विरोधी कदम को वापस। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।